भाजपा के वरिष्ठ नेता व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का आज सुबह हृदय गति रुकने से हुआ निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य नेताओं ने निधन पर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने आपातकाल का पूरे जी जान से किया था विरोध। उनका सार्वजनिक जीवन गुजरात की जनता की सेवा में रहा समर्पित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग गठित करने संबंधी अध्यादेश किया जारी। ये आयोग वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहतर तालमेल व संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए करेगा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस समारोह में लेंगे भाग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिहार में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर लगाए आरोप। कहा, कांग्रेस ने की हर प्रकार की चालबाजी ताकि सेना को न मिल सके अत्याधुनिक राफेल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 54.26% हुआ मतदान। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। देश में कोविड 19 से ठीक होने की दर 90.99% से अधिक। बीते 24 घंटों में 54,000 से अधिक कोरोना संक्रमित लोग हुए स्वस्थ। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 4,47,00,000 के पार। अब तक 11,79,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। जर्मनी में 2 नवंबर से 1 माह का आपातकालीन लॉकडाउन लगाने की तैयारी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने की घोषणा।